वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से क्या आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैं पहले इस तरह के वीडियोस बनाती थी कि कोई भी प्रोडक्ट पिक करती थी और उसके प्रॉपर रिव्यूज़ देती थी। वैसे वीडियोस मैंने बनाना काफ़ी बंद कर दिया है। मैं वीडियो के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर ही रिव्यूज़ कर देती हूँ। सो टुडे आई एम मेकिंग अ रिव्यू वीडियो ऑफ दीज लोशंस। तो ये जो लोशंस है ये मुझे मामा अर्थ ने सेंड करे हैं। तो इनमें से एक जो लोशन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 5-6 डेज। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज आई हैव बैड कफ एंड कोल्ड गोइंग ऑन। सो जो मेरी आवाज़ है वो ऐसे लग रही होगी कुछ चेंज। सो या हम आते हैं वापस से लोशन के ऊपर। तो मैं एक एक लोशन आपको बताती जाती हूँ कि क्या है और किसका वर्क, क्या कौन सा क्या वर्क करता है। जो सबसे फर्स्ट लोशन है दैट इज़ मामा अर्थ हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन। नॉर्मल स्किन मतलब ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर, अभी वेदर ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है, ठंडक आ गई है मौसम में। तो जैसे ऑयली स्किन है, मेरी स्किन विंटर्स में नॉर्मल हो जाती है। जिनकी ड्राई है उनकी और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, और जिनकी नॉर्मल है उनकी ड्राई हो जाती है। सो यू नो इस तरह से चेंज हो जाता है, सबकी स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो जिन लोगों की नॉर्मल स्किन हो जाती है विंटर्स में, वो लोग ये वाला जो लोशन है हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, इसके अंदर क्यूकम्बर है एंड एलोवेरा है। तो बेसिकली मैं यही वाला लोशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये बिल्कुल भी हाथों में स्टिकी नहीं लगता है। काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का है और बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है आपके हैंड में। ये हैंड के अंदर अब्जॉर्ब हो गया है और बिल्कुल भी ऐसा स्टिकी सा, मैं जनरली मेरी ऑयली स्किन है तो मैं जो बॉडी लोशन है वो बहुत चूजी तरीके से चूज़ करती हूँ बिकॉज आई रियली डोंट लाइक वो जो चिप 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 वाला फीलिंग होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। दिस इज़ वेरी लाइट वेट ऑन योर हैंड। इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर है कोकोनट ऑयल, एलोवेरा एंड क्यूकम्बर। तो कोकोनट ऑयल आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, जो क्यूकम्बर है वो सॉफ्ट एंड हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है, एलोवेरा है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है। तो इसका जो इंटेंस मॉइस्चराइजर है वो 24 आवर्स तक स्टे करता है। इसके अंदर नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है और ये प्रमोट करता है हेल्दी स्किन को। एज वी ऑल नो दैट मामा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, तो ये जितना प्लास्टिक बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल करते हैं। ये जो लोशन है ये हर तरह की स्किन टाइप को सूट करता है विदाउट एनी स्किन इरिटेशन। आपको किसी भी तरह की स्किन इरिटेशन नहीं होगी। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं है, मिनरल ऑयल्स प्रेजेंट नहीं है, पैराबेंस प्रेजेंट नहीं है, सिंथेटिक जो फ्रेग्रेंस होती है वो इसके अंदर नहीं है। अभी इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बिकॉज जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मुझे तब से ही काफ़ी कफ एंड कोल्ड हो रखा है, तो मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम आते हैं मामा अर्थ हीलिंग बॉडी लोशन पे। तो ये जो बॉडी लोशन है दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है उसके लिए ये है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए अलग है, तो उस पर हम बाद में आते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर मिला हुआ है मोरिकन आर्गन एंड मोकाडेमिया नट ऑयल। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट और नॉट। इस लोशन के अंदर शिया बटर है। एज यू ऑल नो दैट शिया बटर इज़ ए नेचुरल मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो माकाडेमिया नट ऑयल है ये आपके स्किन को नरिश करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है विथ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। इसके अंदर भी लाइट एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। तो ये वाला जो लोशन है वो मैं यहाँ लगा के देखती हूँ। आई डोंट नो बट ये जो हाइड्रेटिंग वाला बॉडी लोशन था और ये जो हीलिंग वाला बॉडी लोशन है थोड़ा सा डिफरेंस है। हीलिंग वाला जो है इसका फॉर्मूला हल्का सा थिक है बिकॉज दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन। इसका भी नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है और ये डीप स्किन में जाकर के पेनिट्रेट होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन को सॉफ्ट सफल एंड स्मूथ फिनिश मिलती है। अगैन दिस इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड SLS फ्री, पैराबेन फ्री, हार्मफुल टॉक्सिन्स केमिकल्स फ्री। इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो स्क्रीन पर दिया हुआ है आपको 20% और डिस्काउंट मिलेगा। अब आते हैं थर्ड नंबर के लोशन के ऊपर। तो ये वाला जो लोशन है दिस इज़ स्किन रिपेयर बॉडी लोशन। दिस इज़ बेसिकली फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन। इसके अंदर मिला हुआ है मैंगो एंड कोकम बटर। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और एक्सट्रीमली ड्राई होती है और आपको बहुत ज़्यादा खिंचा टाइप का लगता है। तो जिन लोगों की स्किन वैसे हमेशा ही रहती है फ्लैकीज ही रहती है, डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन बिकॉज ये एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए स्पेसिफिकली बना है। ये आपकी स्किन का जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस है उसको रिपेयर करता है विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर लॉस होता है उसको ये प्रिवेंट करता है।
फ्री फ्रॉम SLS, पैराबिन, मिनरल ऑयल, सल्फेट एंड सिंथेटिक फाइबर्स. इसके अंदर कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं. तो ये तीनों ही अलग अलग पर्पस के लिए है. तो आपको जो भी आपकी स्किन टाइप के लिए बेस्ट लगता है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों ही ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी स्किन अलग अलग तरह की होती है. सो यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड ऑन दिस लोशन. तो इन प्रोडक्ट की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, इन एनी केस यू वांट टू बाय इट. एंड दैट्स इट फॉर माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.